यहाँ बैठे हुए अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए संबल योजनाओं के सभी हितग्राही बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज कोरोना संकट के बीच जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। ये संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, बुजुर्गों का विश्वास है संबल, मां बहन बेटियों का सशक्तिकरण है संबल, जनता की जिंदगी में, गरीब जनता की जिंदगी में नया प्रकाश है संबल, जीवन की कठिन लड़ाई में तब जब वो हमारे गरीब भाई और बहन जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनको सहारा चाहिए, उनको साथ चाहिए, उनको सहयोग चाहिए। देखिए, भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई है। ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये खदाने, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका हक है, सबका अधिकार है। भगवान समदर्शी है, भगवान भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही इंसानों ने शुरू कर दिया। कुछ लोग अमीर हो गए क्योंकि संसाधन उनके कब्जे में चले गए, उनके पास चले गए, उन संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने धन भी कमाया और बड़ी आबादी निर्धन रह गई। संबल योजना के माध्यम से हम उनको न्याय दे रहे हैं जो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेते हैं और जो गरीब हैं उनको सुविधाएं देते हैं। यह है सामाजिक न्याय और इसकी चर्चा आज नहीं, कई वर्षों से होती चली आई। तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सरकार का भी धर्म है जो गरीब है, जो दीन है, दुखी है, पिछड़े हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाए। महात्मा गांधी जी भी लगातार कहते थे कि सरकार का पहला काम निर्धनों की सेवा है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा, नर सेवा नारायण सेवा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दरिद्र ही नारायण है, गरीबी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। हम उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं और इसलिए संबल योजना में हमने प्रावधान किया। अब बीच में दूसरी सरकार आ गई, उन्हें ठंडे बस्ते में संबल डाल दी, गरीबों को लाभ देना बंद कर दिया, संबल कार्ड बने थे वो कार्ड रद्द कर दिए। अब वो कार्ड निकाल के रख लेना सब, फिर से संबल शुरू हो रही है। ये कार्ड फिर काम आएंगे, ये न्याय नहीं था। कितनी अच्छी है योजना को बंद कर देना,
और ये योजना ऐसी है कि जो जन्म से जीवन पर्यंत तक, जन्म से जीवन पर्यंत, अच्छा जन्म नहीं, जन्म के पहले से जिंदगी के बाद तक, और जन्म से पहले का मतलब है जब संबल योजना की पात्र मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। हमारी ऐसी गरीब बहन क्या ऐसे काल में भी जब आराम करना जरूरी हो क्या मेहनत मजदूरी करती रहे? 4,000 रुपया मिलेंगे तो कम से कम उस समय आराम कर सकेगी, और बेटा बेटी को जन्म देने के तत्काल बाद काम में न लगना पड़े। और नहीं तो हमने वो दृश्य देखे बचपन में गांव में, हम लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बेटा बेटी को जन्म दिया और महीने भर का भी नहीं होता था तो बच्चे को संग लेके या तो खेत के मेड़ पर धर देते थे या घर पे छोड़ देते थे और दिन दिन भर बहने काम करती थी। अब ये नहीं होगा मेरी बहनों, 16,000 रुपया आपको आराम करने का अवसर देंगे, आपको पोषण आहार भी मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है, इस सरकार की है, इसलिए पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क होगी, किताबें हम देते हैं, आज भी तक यूनिफॉर्म, स्कूल में मध्याह्न भोजन, और उसके बाद अब 12वीं में भी हम तय कर रहे हैं जो संबल परिवार है उनके बच्चे मेरिट में आएंगे, या हम एक योजना संबल में जोड़ रहे हैं आज सुपर 5,000, ऐसे बच्चे जो 12वीं में 5,000 बच्चे जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको और 30,000 रुपया प्रति बच्चे अलग से दिया जाएगा, और हमारे बच्चों का अगर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, आईआईटी आईआईएम में सिलेक्शन हो जाता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में सिलेक्शन हो जाता है, तो फीस भरना गरीब के बूते की बात नहीं है। क्या गरीब के बच्चे डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, आईएएस आईपीएस अफसर ना बने? आखिर क्षमता उनमें भी है, बुद्धि उनमें भी है, इसलिए ऐसे बच्चों की पढ़ाई का फीस का इंतजाम सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार करेगी। तो पढ़ाई की चिंता से मुक्त और उसके साथ साथ बच्चों की जिंदगी में खेल भी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए हमारे ऐसे बच्चे जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में संबल परिवारों के बच्चे भाग लेंगे तो उनको भी 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हम भी खेलेंगे कूदेंगे आसमान को छू लेंगे, हमारे बच्चों में भी ताकत है और क्षमता है, खेल के क्षेत्र में भी हमारे गरीब बच्चे आगे आए, मेडल जीते, उसमें उनकी भी मदद की जाएगी। फिर जिंदगी में कई बार बीमार भी होना पड़ता है, ना हो कोई लेकिन मनुष्य शरीर है, अभी तो कोरोना के संकट से लड़ रहे हैं तो सरकार इलाज की व्यवस्था कर ही रही है, भगवान न करे, लेकिन मैंने देखा है
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है उनका ऐसा कहना है। और साफ तौर पर जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए लाई गई हैं और उनके फायदे के लिए लाई गई हैं, शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कहना है। तरह तरह की योजनाएं जो हैं और लागू करने जा रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की ओर से जो हैं शुरू होने जा रही हैं, कई तरह की सेवाएं इसमें रहेंगी। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है और इस संबंध में वो पहले ही अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं। मंगलवार को ये योजना फिर से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बिजली की उपलब्धि के साथ उपभोक्ताओं द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व अन्य मुद्दों पर बिजली विभाग के अफसरों से चर्चा की। साथ ही सीएम शिवराज से मुख्यमंत्री संबल योजना में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत के मामले में भी जानकारी दी। साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के पुराने बिजली बिल माफ करने और 200 रुपए प्रतिमाह पर बिजली देने का प्रावधान था। इस योजना में गरीब और वंचित व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकारी योजनाओं का फायदा दिए जाने का प्रावधान है। गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है ऐसा कह रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इस योजना से गरीबों को बहुत फायदा होने वाला है और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये योजनाएं जो हैं साथ रहेंगी। तरह तरह की योजनाएं जो हैं लागू की जा रही हैं गरीबों के हित के लिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये योजना जिंदगी बदलेगी ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। बता दें आपको गरीबों के हित के लिए तरह तरह की योजनाएं जो हैं शिवराज सिंह चौहान लाने जा रहे हैं। जन कल्याण योजना संबल को फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना फिर से शुरू करने का फैसला भी कर लिया है। और बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर 24 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एम्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। पॉजिटिव युवक सरस्वती थाना क्षेत्र के कुकुरबेड़ा इलाके का रहने वाला है। युवक पेशे से इलेक्ट्रिशियन है जो घर घर जाकर काम किया करता है। कोरोना के लक्षण देखने के बाद युवक ने परीक्षण कराया था जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। उसे उपचार के लिए एम्स में दाखिला करा दिया गया है। बिना कोई ट्रेवल हिस्ट्री वाले युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन की चिंता अब और बढ़ गई है, क्योंकि युवक सब्जी लेने भी जाता था और मोहल्ले में दोस्तों के साथ घुमा फिरा भी करता था। अब प्रशासन संपर्क में आए तमाम लोगों की जाँच हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है जिनका इलाज एम्स में जारी है। उसमें हम लोग उसमें भी जनता मरीज और आप लोगों को सबको सहभागी मानते हुए उस पर भी काम कर रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना संकट का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों पर जो खाने कमाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। लॉकडाउन में फंसे ऐसे मजदूरों की अब घर वापसी हो रही है। भूपेश सरकार की ओर से मजदूरों को सुरक्षित लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले मजदूरों से प्रदेश में कोरोना का खतरा न फैले ये सबसे जरूरी है। लिहाजा इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट, लॉकडाउन में फंसे राज्य के मजदूरों का घर वापसी हुआ शुरू। भूपेश सरकार ने की पुख्ता तैयारी, मजदूरों को सुरक्षित रखने का इंतजाम, स्क्रीनिंग से लेकर क्वारंटाइन तक की व्यवस्था, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश। जी हां, सरकार घर वापसी करने वाले मजदूरों फिर से आज से ये योजना नए रूप में प्रारंभ हो रही है और आपकी जिंदगी को अब अलग समस्याओं से निजात दिला के आसान बनाएगी।
और इसके लिए जो सामने बैठे हितग्राही है उनको और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। सामने बैठे एक एक मिनट बात कर लो। होशंगाबाद से दीपक नामदेव बैठे हैं। दीपक बैठे, कैसे हो दीपक? मृत्यु हो गई थी। अच्छा, क्या हो गया था? उनका ब्लड नहीं बन रहा था। अच्छा, कब कब हो गई थी? 2019 के आखिरी महीने। अच्छा अच्छा, आखिरी महीने, पांचवा महीने। चलो, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे भैया। और आज आपके खाते में पैसा पहुंच रहा है 2,00,000 रुपया। ठीक है, चलो। अब अपने बच्चे कितने हैं आपके? उसका ध्यान रखना। और अब संबल योजना में पढ़ाई तो होगी उसकी? पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में? अच्छे से पढ़ाना भैया। मैंने जो कहा वो सुना ना तुमने, तो अच्छे से पढ़ाओगे तो खूब ऊपर जाएगा तुम्हारा बेटा। बिल्कुल नाम रोशन करेगा। ठीक है, ठीक है भैया जी। रतलाम से लीला बाई है? नो। कैसी है बहन? अभी खराब चल रही है। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा। अच्छा, परिवार में क्या हो गया था? बीमार अच्छा चले गए। हाँ, चले गए। लेकिन हमारी संवेदना आपके साथ है बहन, उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन आपके खाते में पैसा आ रहा है, अभी पहुंच गया, मैंने क्लिक कर दिया, 2,00,000 रुपए पहुंच जाएंगे, पहुंच ही गए होंगे। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। बस हम सब लोग आपके साथ हैं। घर में और कौन है? बालक है, दो दो बालक है। ठीक है, उनको दिवंगत आत्मा को शांति दे, और आपके साथ हम लोग हैं सब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। निर्मल कुमार जैन, राय जैन, क्या हो गया था निर्मल भैया घर पे? सर जी, पैरों में पानी आ गया था। अच्छा, और लीवर में सूजन और किडनी में सूजन आ गई। और यहाँ तक पैरों में सारे बन के पूछे। कब हुआ फरवरी? 18 फरवरी। फरवरी 18 में? जी सर। तब से पैसे मिले ही नहीं थे? नहीं। अब आपके खाते में आ गए हैं? जी। अब आपके खाते में पैसा आ गया? जी। आपके साथ हम सब हैं, सरकार खड़ी है। ठीक है भैया, नमस्ते। छतरपुर से पार्वती बहन है? पार्वती साहब, कैसी हो बहन? ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते, क्या हो गया? खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, कब हुआ फिर उनका एम्स में हो गया था सर। कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए। चलो, भगवान शांति दे आत्मा को, हम लोग सब साथ हैं। अभी आपके खाते में क्लिक करके पैसे डाल दिए मैं, संबल योजना के बीच में मिले नहीं आपको, लेकिन अब फिर से ये सरकार आ गई तो पैसे आपके खाते में डल गए। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। विदिशा से मीना बाई है?
कैसे हैं मीना भाई? अच्छे हैं। क्या हो गया था? कुछ नहीं, मचाना के लिए हुआ। देखा तो कई का मचाने के लिए। हाँ, थोड़ी तबियत खराब है। कब कब हुआ था सर? एक बार तीस जनवरी। चलिए, भगवान शांति दे आत्मा को, और सरकार आपके साथ है। ये पैसा आपके खाते में संबल योजना के अंतर्गत डाल दिया है। 2,00,000 रुपया आपके खाते में पहुंच गया। नमस्ते। नमस्ते। धार से आनंद शांतिलाल। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया था? मम्मी की सास सुनने से सर। मम्मी का माँ का कब हुआ था? 25 सितंबर। तो ठीक है, अब अपनी सरकार आ गई तो पैसे डाल दिए खाते में। ये 2,00,000 रुपये खाते में पहुंच गया बेटा। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। टीकमगढ़ से सिम्मा। नमस्ते। टीकमगढ़ से सिम्मा है? टीकमगढ़। हाँ सर। नमस्ते सर। सिम्मा बहन। हाँ सर। क्या हो गया था? सर कैंसर हो गया है। चलो, भगवान शांति दे दिवंगत आत्मा को, और अब सरकार साथ है, अब चिंता मत करना है। ठीक है सर। 2,00,000 रुपये खाते में पहुंच गया। ठीक है सर। ठीक है। खरगोन में माया भाई। कैसी हो माया बहन? कैसी हो?